गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी का आशा करता हूँ आप सब लोग ने एक्साइटेड होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हम ग्लोबल लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन कुछ अपडेट इम्पॉर्टेंट है जो अभी को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं कल तो सब कुछ अपडेट दे दिया, एक ऑन पैसिव इकोसिस्टम आना था, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं और बहुत लोग गलती भी कर रहे हैं, जो गलती सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पर आपको गाइडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, कुछ अपडेट्स नहीं है, अपडेट्स तो आएंगे, ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप हड़बड़ी में, जल्दी में, एक्साइटेड में कुछ गलती ना कर बैठो, ठीक है। आप गलत जगह पर जा रहे हो, गलत जगह पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और गलत लोगों को शेयर कर रहे हो, तो ये सब चीज़ नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है अभी, ठीक है, आपका स्टेप क्या होना चाहिए और आप क्या कर रहे हो वो गलती मत करना। ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ दीपन, आप इस वक्त मेरे चैनल दीपन पैसिव पर है। चैनल पर नए हो, पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब बटन है वो दबा देना, आपको हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आपको पर्सनल गाइडेंस से आप बात करना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, ये छोटा मोटा अपडेट के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो जुड़ जाना, वहाँ पर बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग बातें करते हैं, अपडेट्स वगैरह आते तो तुरंत वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, तो आपको भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जो बात है वो है, देखो, आप फिर से बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर मैसेज कर रहा है कि मैं ऑन पैसिव पर रजिस्टर कर दूँ क्या, ऑन पैसिव पर रजिस्ट्रेशन कर दिया मैं या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वैसा मत कीजिए। पहली बार, दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं कि ऑन पैसिव रजिस्ट्रेशन सिर्फ पब्लिक के लिए है, हमारे लिए नहीं है, तो वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, वो हमारे लिए नहीं है, ठीक है, वो फाउंडर्स के लिए नहीं है, वो पब्लिक के लिए है। तो पहली बात तो वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। दूसरी बात है, हम लिंक शेयर करना चाहते हैं, मेरा दोस्तों भाई से या रिश्तेदार से लिंक शेयर करना चाहते हैं, तो कैसे करें, मेरा लिंक कहाँ पर है? भाई, आपका लिंक अभी पर बना नहीं, आपका लिंक बनेगा ऑन पैसिव इकोसिस्टम जब आएगी, हम जहाँ पर लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपका लिंक बनेगा, उसके बाद आप शेयर करना। हाँ, आप तो onpassive.com को जाने के लिए बोल सकते हो, देख सकते हो, वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, अभी लॉगिन का ऑप्शन भी आ गया लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, जो भी है आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अभी आप खुद का लिंक शेयर नहीं कर सकते। आशा करते हो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो तीसरी पॉइंट पर बात करते हैं, जो है जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो हम लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है, वो जियो सिनेमा पे या स्पोर्ट्स साइट पे नहीं चल रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं कर रहे, या बोल रहे किसी ने कि फीफा में तो नहीं दिख पा रहा है, हम तो खेला दिख रहे हैं कि फीफा में तो नहीं ऐड आ रहा है। भाई, फीफा में हम नहीं ऐड किए, हम ऐड किए हैं BN स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग पर, जो BN स्पोर्ट्स चैनल पर जो लोग देखेगा वो ऐप हो सकता है या उनका चैनल हो सकता है, वहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट चलेगा, ठीक है। हम BN स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप पे हैं, ना कि वाले फीफा वर्ल्ड कप के साथ, ठीक है, BN स्पोर्ट्स लाइव पार्टनरशिप हम हैं। अतः नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर वो है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम कब लाइव होंगे? देखो, कल SR आए थे, आके बोला था कि हाँ कुछ टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ फ्यू आवर्स में हो सकता है, लेकिन कल तक नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह में, तो शायद आज तो मिल ही जाएंगे मुझे जो लग रहा है, या आज मंगलवार है और ट्यूजडे में 10:30 बजे SR का वेबिनार भी रहता है, हो सकता है SR आ सकता है, हो सकता है नहीं भी आ सकते, पता नहीं। SR ने ये भी बोला है कि काम ख़त्म करेंगे तभी चैन से हम आ पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे, तो वेट कीजिए आप लोग भी, हम भी वेट करते हैं SR का क्या अपडेट आता है, देखते उसके बात ही करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुन लो कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम जब आएंगे तब स्क्रीनशॉट शेयर मत करना, लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद शेयर मत करना, कोई वीडियो या स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर मत करना। दिलों सर ने अभी कुछ टाइम पहले पोस्ट किया कि ऐसा शेयर करना सही नहीं होगा, वह हमारा बैक ऑफिस है, वहां पर हम जाएंगे तो लोग अगर पहले ही देख लेंगे वहां पर क्या है, क्या चल रहा है अंदर में, तो लोग क्यों आएंगे, लोग का क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो प्लीज ये सब शेयर मत करना। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जो ईमेल क्रिएट किए हो पहले, जो नहीं किए हो, ठीक है, सभी को ईमेल क्रिएट करना है। जो ईमेल क्रिएट किया, मान लो आप अच्छे से ईमेल क्रिएट किया था, तो फिर से मैं वो ईमेल नहीं बना सकते क्या? हाँ बना सकते हैं भाई, वो डिलीट हो गया, सब मेल डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि जो डाउट नहीं रहे या कोई प्रॉब्लम इशू ना आए, ठीक है, सभी ईमेल डिलीट हो गया। अभी आप मन जो चाहे, शायद ये भी हो सकता है किसी किसी का ID दूसरे नाम पर है,
दूसरे का जीमेल है, दूसरे नाम पे है, तो अभी आप चेंज कर सकते हो। यही वक्त है, यही टाइम है, सही टाइम है। आप जाओ जाके, जब ओमेल आएगा, अभी नहीं, जब ओमेल का ऑन पैसिव इकोसिस्टम का ऑप्शन बैक ऑफिस पे आएगा, मतलब ओ फाउंडर्स डॉट नेट पे आएगा आएगा वहाँ पे जाके अब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाओ, जाके रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे आप आपका खुद का नाम का कोई भी ईमेल्स आप सेट कर सकते हो, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ ईजी प्रोसेस है, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर अपडेट्स आते हैं तो फिर से बातें करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ऐसे मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ लैंडस्केप मोबाइल वीडियो पर, तो कैसे लगा बोलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो, कमेंट में बताओ कैसे लग रहा है, नहीं तो फिर से मैं घुमा के लैंडस्केप पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।